हे गाइस, एक्चुअली हम लोग अभी थोड़ा सा जा रहे हैं हॉस्पिटल। रीज़न बेइंग कि बच्ची को थोड़ा सा प्रॉब्लम डॉक्टर को दिखवाना है, तो एक दिन दो दिन से आगे पीछे हो रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो हमने फिर आज फाइनली कहा कि मैं निकलूँगा आज बच्चे को, यानी हाँ दिखवाऊँगा चाहे जैसे, क्योंकि एक्चुअली ना मैं अभी आपको बता सोचो बताऊँ कि ना, तो नहीं बता देना कि उसके जो टीथ अभी जो मिल्क वाले जो टीथ आए हुए हैं उसमें पता नहीं जैसे कि ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। तो हम उनका इतनी छोटी कैविटीज ना, हाँ कैविटी लाइक, तो हमने कहा इतनी छोटी बच्चे की टीथ में जो है, खाती भी नहीं है ऐसा, मदर फीड ही करती है। हाँ मदर फीड नहीं, खाना ना हम लोग तो खिलाते ऐसा नहीं है, और मतलब लेकिन ऐसा चॉकलेट वगैरह हाँ, और बाकी इनकी बाहर का कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल भी नहीं। तो हमने वही सोचा कि इतनी छोटी सी बच्चे के साथ, इतने ऊपर के टीथ है ना, सब सब में हो गया है। मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं देख से कब से डिस्कस कर रही थी, और अभी इतनी लेट आ रहे हैं, हम चल रहे हैं देखते हैं। सबसे पहले जो प्रियू के पेडियाट्रिशियन है, सबसे पहले उनसे डिस्कस करेंगे, इसके बाद आगे हाँ कि ऐसा क्यों हुआ, फिर उनसे हम लोग डिस्कस करके आगे जाएं किसी और डॉक्टर दिखाना है, क्योंकि भाई इतनी छोटी सी बच्ची है अभी, इसके दूध के दांत अगर जाएंगे तो 7 से 8 साल में जाएंगे, तब तक फिर कैविटी और इसके पूरे दांत पूरा मुंह खराब हो जाएगा, चेहरा है पूरा दांत खराब हो जाएगा। हाँ मेरी बिटुआ की पता है, तब मुस्कुराती इसके चेहरे स्माइल करेगी, फिर कहेगी मम्मा पापा आपने केयर नहीं करा। हाँ इसके चूहे जैसे जात उसके देख रहे, मेरे बिटुआ के खराब हो जाएंगे, तो वही हमने कहा फिर इसको चल के दिखवाते हैं। तो फिर हम लोग चल रहे हैं बच्चे को दिखवाते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कहाँ चलेंगे, आपको बताएं। फिलहाल हमारी पहली प्रायोरिटी है बच्चे को दिखवाना है बिट्टू। मुझे भी पता है, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, कई दिन हो गए हैं, व्लॉगिंग भी नहीं स्टार्ट हुई है। देख रहा हूँ मुझे, देखो क्या हो गया है, पूरी छाले पड़ गए, मिल पा रहा था कहीं आने जाने का, तो क्या व्लॉगिंग कैसे घर में बैठ क्या व्लॉगिंग, रीजन लास्ट व्लॉग वही घर का था ना, 6-7 दिन। सोचो यार हम लोग घर से कितनी तारीख को आए थे दी, अरे आ तो गए थे लेकिन ब्लॉग तो चल ही रहा था। नहीं तो आ गए थे, कितनी तारीख को आए थे, कब आए थे, जन्माष्टमी कब थी, हम लोग आए थे 27 को। ओ सोचो यार इतने दिन से हमने ब्लॉग नहीं बनाया, 27 से आज 4 8 डेज प्रॉपर हो गए, मतलब और अदर चैनल पे काम करा है उन्होंने, ऐसा नहीं है प्रियदीप के लिए मैंने किया, ब्लॉगिंग मैंने नहीं की, एक दिन मैंने किया था, एक क्या 2 दिन मिला के एक ब्लॉग बना था, पूरा नहीं हुआ। हाँ हो गया, वो शायद इन लोगों ने देख लिया होगा, अच्छा तो पूरा कर डाले। फिलहाल हम लोग चलते हैं, पहले बच्चे को दिखवा ले इसके प्रॉपर्टी से। बेटा भैया क्या ये क्यों चाहिए, अच्छा इसको दूध पीना है, हाँ अब इसको फीड करना है, ठीक है हम लोग चलते हैं फिर। जैसे कैमरा चालू होता है ना, सबसे ज्यादा जो लगता है कैमरा चालू, देखो बहुत गर्मी हो रही, चलो फिर चलते हैं। कहाँ जा रही है, हेलो जा रहे हैं अपने पतिदेव की काटने, क्या आज उनका अकाउंट खाली करेंगे, हम मॉल वॉल नहीं घूमते हैं, वो तो कुछ चीज़ें थी जो नहीं मिल रही थी तो आना पड़ा, मजबूरी है क्या करें, लूलू में है हम, आ जाओ चले वाटर पर ले कौन सा ब्रांड आगे, बस अब यही शॉपिंग करना बाकी रही, रिलायंस पनीस के सब हट गया ना, हाँ तो और क्या, अब हम समझदार हो गए हैं, रियल ज्वेलरी लेके एक बार पहनेंगे, इसके बाद वो सड़ती है सच में, फेक लेके पहनो, जब हमारा मन करेगा हम तब पहनेंगे, हम सब हाँ तो है ही, चल रहा है फटका नंबर 1 गाइस, मैं आजकल मैं कुछ ज्यादा ही पैसे उड़ाने लगी हूँ गाइस, कमा रहे हैं तो उड़ा रहे हैं, अभी हमें जाना है, चलो 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 चलो, कितनी बेइज्जती हुई हमारी, नहीं हुई उनकी करके आ रहे हैं। मीना बाजार हो गई बीच मॉल में हमारी, और क्या जाते नहीं कराया, मैंने क्या किया, जाते क्यों, किसी को पता ही नहीं चलता तुम क्यों बोल रही, मेरा मन कर रहा था, मैगडी के सामने से गुजर रही है, नहीं जा रहा मैगडी, अच्छा नहीं आ रहा ना, हो गई ऑलमोस्ट।
शॉपिंग जो चुल लगी थी क्या हुआ मिला ही नहीं मन का बता रहे हो चुल्ल लगी थी। अब नहीं मिला फिर भी 10-11 हज़ार रुपये तो खर्च लिए ही। वही यार आजकल 11 हज़ार ऐसे कुछ पता ही नहीं चल रहा ना पैसे से बिल्कुल घुमल करा हो यार गार्ड साहब इनको उठा के बंद करो तो शैतानी कर रहे हैं। चलो फिलहाल अब हम लोग निकलते हैं तो बाय। ट्रेन हमारे छूट चुकी है इधर 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 हम लोग निकल पड़े हैं। गाड़ी ढूंढना क्या याद है दे तो गाड़ी ढूंढना क्या याद है किधर है किधर 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 है इसीलिए मैं पूछ रहा था मुझे तो मालूम ही है मतलब कहीं भी हैं किसी को गाड़ी दिखा दो। बस हम लोग अपनी गाड़ी ढूंढते पहुंच गए जबकि ऑलमोस्ट टाइम यही खड़ी होती गाड़ी में फिर भी कंफ्यूजन क्यों कंफ्यूजन कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन सॉल्यूशन का पता नहीं पता है ना। चलो आराम से खोलो ये भैया देखो गाड़ी में जबरदस्ती चल रही है। सारी लाइटों की विजिबिलिटी देखो रेड है बिल्कुल मस्त एकदम रेड दिख रहा है अगर येलो है वाइट है बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है अच्छा लग रहा है बट ना मौसम के साफ है जैसे एक्चुअली स्टार्टिंग होता है उधर अक्टूबर नवंबर में। हां वही मुझे बार-बार लग रहा है अक्टूबर नवंबर वाला चल रहा है मतलब दीपावली आने वाली जैसे ना। हम लोग घूमते टहलते मतलब ऐसे ही मौज मस्ती क्या कुछ काम था थोड़ा सा लेकिन ये क्या फिर घूमता थोड़ा सा घूमा टहला जाए घूमते टहलते हम लोग पहुंच गए वहाँ। हम लोग पुराने आशियान है पर नाम नहीं बताएंगे आप लोग गेस करिएगा। सबसे पहले हम लोग लखनऊ में कहाँ से उठे कहाँ से उठे थे और कौन से मार्केट ये बड़ी जानी पहचानी मार्केट है क्योंकि ये कुछ चीज़ों के लिए बड़ा से अलग ही लगाव है। कुछ चीज़ों के लिए बड़ा फेमस एरिया है ये थोड़ा सा आउटलेट यहाँ ज़्यादा है ना। हाँ आउटलेट ज़्यादा है तो हम लोग भी ट्राई करते हैं कभी कभी बीच में आके मैं करता हूँ ये नहीं करते क्योंकि सब हमारे वाले हैं बस ट्राई करते हैं कुछ लेते नहीं है। ट्राई मतलब ठीक है जो समझ में आएगा ले लिया जाएगा नहीं समझ में आता तो नहीं लिया जाता है। एक्चुअली हम लोग आए थे ना हमारे जो मास्टर जी हैं उनसे कुछ काम था। देखिए ये हम लोग अभी पहुँच गए स्पेंसर बड़ा फेमस मतलब पूरे लॉकडाउन में सामान यही स्पेंसर से गया था ना ये कोई प्रमोशन नहीं है डोंट वरी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने बहुत हाथ लगता है तकरीबन 3 साल हम लोग रहे ना यहाँ 3-3.5 साल तो, अभी भी मन करता है यहीं से। हाँ मतलब एक अलग कनेक्शन है इस एरिया से पता नहीं क्यों एक्चुअली अभी है कि सारी चीज़ें मालूम है यहाँ की गली गली। चलो फिर थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते रहेंगे आपसे पूछते रहेंगे आप बताते रहिएगा कहाँ है कौन सा चौराहा है। ओके हे गाइस डाइट फॉलो रहे आप लोग तीज के दिन देख रहे हो चार्ट गाइस हम लोग कर रहे हैं डाइट फॉलो तीज के एक दिन से पहले का है डाइट वाइट नहीं फॉलो हो रही है एक्चुअली हम लोग डाइट फॉलो करते हैं ऑनेस्टली बट बहुत दिनों बाद कुछ खा रहे हैं और ये हम लोगों की फेवरेट चार्ट है नेहा की वहाँ रखी हुई है और ये हमारा फेवरेट देखो हमारे मन में चल रहा था कि आज हमारा दीप गए हैं लॉन्ग लाता खाने का मैंने कास लेके आए उन्हें लेके आ गया। कितने बज रहे हैं रात के अभी देख लो 9:44 ठीक है गाइस नेहा को दे रहे हैं प्रति उसका समोसा अपना खा रहे हैं नहीं तो उनकी जीभ से पानी गिरेगा ये लो खाओ जीभ से पानी और मुंह से बाहर आएगा डोंट वरी गाइस मजाक कर रहे हैं जस्ट किडिंग सीरियस मत हो जाना तू नेहा भी हंस ले थोड़ा सा वैसे हंसती नहीं है आजकल उनकी जिंदगी में पता नहीं कौन सा दुख छाया हुआ है जरा हंसो नेहा पहले जब हम कुछ बुक पढ़ते थे उसमें हंसने का ऐसे ही लिखा रहता था ना हा हा ही हो हा हो तो चलो गाइस हम लोग खा लें
और आप लोग बताइए आपकी तीज कैसी थी। अभी हम भी वेट कर रहे हैं कि नेहा स्टार्ट करे तब खाएं। थोड़ा सा सिर्फ एक बाइट लिए हैं, मतलब एक भर के चम्मच भी नहीं खाए होंगे, थोड़ा थोड़ा इत्तू इत्तू ले रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि भाई आप लोग ने तीज पे क्या, तीज के पहले क्या क्या खाया था। मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी बिटुआ को बिलाया जा रहा पानी। एक्चुअली आए थे प्रतीश को ड्रॉप करने, तो हमने कहा थोड़ा सा हम भी देखें भैया ट्राई करें कैसे हो पाता कि नहीं। बिल्कुल सुबह आवाज़ नहीं निकलती ना। ये देखो प्रिया बैठी है। भैया के लिए फ्रूट लेना था तो हमने कहा फ्रूट ले ले, फिर उसके साथ हमने बिस्किट ले लिया, भैया को पसंद था, बर्बन था, वही खाता चल ली। तो थोड़ा सा बच्ची को दे दिया कि ये देखिए ये जो है ये खा ली। उसके बाद इनको दिखा के बॉटल जब, बोल रही है पा, हाँ, पा। तो पापा कर रही है। एक्चुअली ये पानी को मम बोलते हैं। हाँ, मम बोल, लेकिन कुछ आजकल कुछ ज्यादा ही पापा पापा करने लगी हैं, तो पानी को भी पा बॉटल दिखा के बोल रही हैं। इनको हर चीज में आगे दिखता है, बाकी पीछे चाहे जो है ना। मम्मा भी बोलती है, पम्मा बोलती है या मप्पा? हाँ मापा बोलती है। आज हरतालिका तीज है, तो आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन काम करो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे ठीक है, ठीक है। तो ये था हमारा तीन दिन का मिला जुला के ब्लॉग। सॉरी नहीं हो पा रहा है, गल मिल हुआ है। आप में से काफी सारे लोग बोलते हो दी प्लीज डेली ब्लॉग डाल, नहीं हो पाता। चलते बस, मैं भी जा रहा हूँ, हम लोग चल रहे हैं घर पे हाँ फिर, क्योंकि बहुत सारे काम है आज, बहुत सारे काम है। एक्चुअली कल गणेश चतुर्थी भी है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करनी है। यस यस ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय।